वाला टीवी के साथ हाजिर हैं। आपको आज एक नई टिप देंगे जो आपको ऑनलाइन आपके पेज पर ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लाइंट हार्वेस्ट करने का बायस बनेगी। आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट रब्ता करेगा, आपसे आपका क्लाइंट बनेगा, आपसे कंसल्टेंसी मांगेगा और आपकी अर्निंग का सबब बनेगा। देखिए कि आप ये टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त वर्क करती है। सिर्फ फेसबुक पे 3 अरब लोग बैठे हुए हैं और जो गूगल है वो तो सारी दुनिया यूज़ करती है। यहाँ पे लोग अपनी तमाम प्रॉब्लम कंसल्ट करते हैं, उनके बारे में सर्चेस करते हैं, उनके बारे में ट्रेस आउट करते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको सिर्फ एक ट्रिक्स आते हों छोटे छोटे तो आप ऑनलाइन अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इंटरनेशनल क्लाइंटेज ले सकते हैं, आप अपने सोर्सेज आमदन के बड़ी बखूबी रेस्पेक्टफुली ग्रो कर सकते हैं। आज हम एक टॉपिक पे आपको चैलेंज देंगे जो आपको आपके पेज पर ही आपसे क्लाइंट रब्ता करेगा, बल्कि आपका पेज गूगल रैंक करना शुरू कर देगा और आप गूगल लोगों के सामने ला कर रख देगा। ये पेज अगर आप इसको इस तरीके से अपडेट करते रहें तो आपका पेज गूगल पकड़ कर अपने डिस्प्ले पर रख देगा, अपनी सर्चेस में इसको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसका लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। आपने इसको इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपने किसी स्टेप को नहीं छोड़ना, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि मुकम्मल रहनुमाई ले सकें। आप इब्तदा में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन जो ही आप इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। ये बहुत इंजॉय वाला काम बनने वाला है आपके लिए अगर आप इसको मुकम्मल वीडियो को देख लें। आपने अगर अपना पेज क्रिएट कर लिया हुआ है तो अब आपने क्या करना है, आप देखिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा गूगल पे तो गूगल ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी और गूगल ने उसके बारे में मज़ीद सर्चेस भी दी, मज़ीद टैग भी दिए, मज़ीद सजेशन भी दिए। मैंने गूगल पे गया, गूगल पे जाके तो मैंने लिखा ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स। तो गूगल ने इसके बारे में जो रेलेवेंट अदारे थे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी वो भी दी और नीचे जाकर इसके बारे में मुझे रिलेटेड सर्चेस भी दी, पाकिस्तानी कंप्लेंट पोर्टल ऐप, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्कीम, ओवर पाकिस्तानी पेंशन स्कीम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंप्लेंट पोर्टल पंजाब, प्रॉपर्टी इशू इन पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टेशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हेल्पलाइन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंप्लेंट सेल नंबर सुप्रीम कोर्ट, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी की है, इसके बारे में काफ़ी सारी खबरें आई, इसके बारे में हुकूमत ने एक पोर्टल और एक हेल्प डेस्क भी बनाया हुआ है। तो चूँकि लॉ रिलेटेड इशू है, हेल्प डेस्क सिर्फ उनको रहनुमाई देगा लेकिन उनको लायर तो करना पड़ेगा, लायर की उनको ज़रूरत रहती है, लिहाजा ऑनलाइन वो अपने पावर अटॉर्नी स्पेशल के ज़रिए से अपने लायर को अपॉइंट कर लेते हैं और वो अपनी कंप्लेंट्स को एड्रेस करवाते हैं। आपने इन सर्चेज को आप इन्हीं सर्चेज से टैग बना लेने हैं। अब आपने जाना है क्रिएट पोस्ट पे जाके जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट पोस्ट करना शुरू कर देगा, ये आपके सामने ऐसे बॉक्स खुल जाएगा। आपने अपने रेलिवेंट अपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपके पेज पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की पोस्ट क्रिएट हो सके। अब आपने ये एक पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर पे तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो इसी को एक न्यूज़ बनाकर एक पोस्ट बनाकर तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। ये मैंने पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह लांगवेदी, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज़ पाकिस्तान जुल्फी बुखारी, इनॉग्रेटेड ऑन ट्विटर मॉडल पुलिस स्टेशन सेंटर इन इस्लामाबाद। तो ये एक चूँकि एक खबर पब्लिश हुई थी, मैं इसको यहाँ पे पेश करता हूँ। ये एक पोस्ट क्रिएट होने जा रही है, अब यहाँ से ज़रूरी काम होता है। यहाँ तो मैंने इसको इस खबर को एक पोस्ट के तौर पर लगा दिया, लेकिन अब मैंने इसके रेलेवेंट टैग देने हैं ताकि ये पूरे फेसबुक पे वायरल हो जाए। ये मैंने इनको यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ऑनलाइन ऑनलाइन हेल्प
फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी ओनर। तो ये टैग्स इसी इसी इन्हीं वर्ड्स के मैंने टैग क्रिएट कर लिए। अब मैं इन टैग्स को कॉपी करके तो यहाँ पोस्ट के नीचे लगा दूंगा। ये देखिए, जो ही मैंने इनको पेस्ट किया, इनके अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस देंगे तो ये टैग टूट जाएंगे, ये नहीं बनेगा टैग नहीं बन पाएगा। फेसबुक में टैग ऐसे ही क्रिएट करते हैं, पहले हैश लगाएं, बीच में जो वर्ल्ड है वर्ल्ड लगा दें, अगर दो वर्ल्ड है उन पर स्पेस खत्म कीजिए, आखिर पे कॉमा लगा दीजिए। 2, 3, 4, 5, 7, 10 तक आप दे सकते हैं यहाँ पे। आप जो ही ये टैग देंगे तो ये इस तरह की ब्लू स्टेप क्रिएट ब्लू अंडरमार्क हो जाए मार्क हो जाएगा। तो ये देखिए कि ये डिस्प्ले होना शुरू हो गए, मैं इनको पोस्ट कर दूंगा। ये पोस्ट हो रही है, ये जो मैंने पोस्ट लगाई है, ये देखिए ये मेरी पोस्ट डिस्प्ले हो गई। जो ही मैं इसको सी मोर पे जाऊंगा तो ये देखिए मुकम्मल जो मेरी पोस्ट क्रिएट की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये जो टैग मैंने लगाए हैं ये वाले, ये याद रखिएगा कि ये पूरे फेसबुक पे चंद घंटों में वायरल हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं। अभी भी कोई अभी सिर्फ 15 मिनट में अगर कोई इन्हीं टैग्स के बारे में फेसबुक रिसर्च में भी सर्च करे तो मेरी पोस्ट वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी, मेरी पोस्ट वहाँ पे उसके सामने आ जाएगी मेरे। और अगर ये चंद दिनों बाद तक 24 से 36 घंटों में गूगल भी इसको रैंक करना शुरू कर देगा, उठा के अपने सर्च पे ले आएगा। यकीन जानिए कि ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको फॉलो कीजिए, इस तरह की पोस्ट लगाते रहें। आपको एक महीने में कम से कम 10 से 15 पोस्ट लगाएं अपने पेज पे, अपने पेज को एक वेबसाइट के तौर पर तस्वीर कीजिए, उसको उससे कम ना जानिए। ये रैंक शुदा पेजेस हैं, आपको अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको रैंक करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, आपको SEO करना पड़ता है, आपको डेवलपर लेने पड़ते हैं, आपको कंटेंट राइटर लेना पड़ता है, तब आप जाकर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा पाते हैं, वो आपके लिए आसान नहीं है। लेकिन आपको ऑलरेडी फेसबुक अपने रैंक शुदा पेज देते हैं, आप क्रिएट करें इन पर पोस्ट लगाएं और ये रैंक हो जाएंगे, आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके प्रैक्टिस को ग्रो करने में, आपकी प्रैक्टिस में आमदन बढ़ाने में और आपकी अर्निंग बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप इंटरनेशनल क्लाइंट कमा सकते हैं, यकीन जानिए आप बैन अवी तौर पर अपनी शिनाख्त करवा सकते हैं, आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट इंटरनेशनल हासिल कर सकते हैं। आप फेसबुक के इस पेज और इस पोस्ट को गूगल की मजबूरी है अपने सर्चेस में डिस्प्ले करना, वो आपका पेज पकड़ के इस पोस्ट के साथ आपका पेज पकड़ के अपनी सर्च में डिस्प्ले कर देगा, अपने सर्चेस में इसको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा और आप क्लाइंट आपको आसानी के साथ रब्ता कर सकता है। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आपको इसी को देखकर मुकम्मल देखकर इसको फॉलो करें और ऐसी पोस्ट लगाएं जैसे मैंने आपको गाइड किया है। थैंक यू वेरी मच।